कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए, तब खौफ समझ जाता है कि उसके आने का वक्त आ गया है। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी तक वह सफलता का जश्न मना रहे हैं क्योंकि न सिर्फ इस फिल्म ने देश में बल्कि विदेशों में भी खूब जलवा बिखेरा है, वहीं इस पर अवार्ड्स की भी खूब बारिश हो रही है। अब इसी बीच अभिनेता की आगामी फिल्म जिसका अस्थायी टाइटल एनटीआर 30 है की रिलीज डेट की घोषणा भी कर दी गई है। अस्थाई टाइटल एनटीआर 30 में को कोरटाला शिवा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। जूनियर एनटीआर लंबे समय के बाद उनके साथ दोबारा काम कर रहे हैं। इससे पहले साल 2016 में आई अभिनेता की फिल्म जनता गैराज को भी कोरटाला शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। फिलहाल आरआरआर में कोमाराम की भूमिका में जूनियर एनटीआर ने दर्शकों के मन में एक अलग छाप छोड़ी है। अब इस आगामी फिल्म से वह वैश्विक स्तर पर दर्शकों को कितना प्रभावित करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर मेकर्स ने एनटीआर 30 का मोशन पोस्टर रिलीज किया था जो बेहद जबरदस्त था, और अब नए साल के मौके पर फिल्म की रिलीज डेट भी साझा कर दी गई है। बता दें कि जूनियर एनटीआर की मुख्य भूमिका वाली ये एक्शन थ्रिलर 5 अप्रैल 2024 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज होगी। जूनियर एनटीआर की यह आगामी मेगा बजट फिल्म एनटीआर 30 को सुधाकर मिक्किलिनेनी और हरी कृष्ण द्वारा निर्मित किया जा रहा है। वहीं इसे नंदमुरी कल्याण राम एनटीआर आर्ट्स और युवा सुधा आर्ट्स के बैनर द्वारा पेश किया जाएगा। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा तैयार किया जा रहा है। हालांकि फिल्म की कहानी और कलाकारों के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ महीनों पहले अभिनेता के जन्मदिन पर साझा किए गए मोशन पोस्टर को देखकर समझा जा सकता था कि यह एक एक्शन थ्रिलर होगी। बाकी आपको क्या लगता है, ये फिल्म में कितने हजार करोड़ का कलेक्शन करने वाली है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही और भी ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर कीजिएगा।